हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ आज के इस एपिसोड में हम लोग रिव्यू करेंगे पिरामल फार्मा का रिव्यू किस लिए क्योंकि यहाँ पे देखो कई लोग यहाँ पे सुनने में आया कि पिरामल फार्मा के मैनेजमेंट को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और ये सारी चीज़ें देखो ठीक भी हैं कंसर्न होना अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे कंपनी के नंबर्स वगैरह जो है वो ऑब्वियसली में बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पे नहीं है फैक्ट कहेंगे कि पुअर साइड पर तो यहाँ पे कंपनी के अंदर एक्जैक्टली exactly क्या चल रहा है इसके लिए थोड़ा सा मतलब कंपनी को रिव्यू के लिए डाला क्योंकि पिछले साल के हम लोग पढ़ी हुई कंपनी है और वहाँ पे मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें बोली थी फ्यूचर लेकिन थोड़े से मतलब ऑप्टोमिस्टिक होकर उन्होंने बोला था बट एक्चुअली में हुआ क्या उसको रिव्यू करने के बाद यहाँ पे डिस्कस करते हैं जब रिव्यू किया तो यहाँ पे पता चला कि मैनेजमेंट और फ्यूचर लुकिंग मतलब कह सकते हो कि स्टेटमेंट नहीं दे रही है मतलब बहुत ज़्यादा उनको भी कंफर्म नहीं है बहुत ज़्यादा वो भी श्योर sure नहीं है कि फ्यूचर में मार्केट कैसे ये शेप करेंगे और मार्केट के अंदर कैसा ये परफॉर्म करेंगे क्योंकि अभी फिलहाल जो इनका मेन जो सी बिजनेस है मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस है जिससे ये मतलब कई तरह के मॉलिक्यूल्स और कई तरह के ए वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पे कॉल के अंदर सिंपली मैंशनड है कि मतलब ये फिलहाल इनका जो सी वाला बिजनेस चल रहा है वो थोड़ा सा म्यूटेड चल रहा है मतलब कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और ये इसका मेन रीज़न कोविड भी था कोविड के बाद से बहुत सारे मतलब आ, फार्मा के अंदर नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए हैं उसके वजह से सी वाला बिजनेस इनका यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे म्यूटेड रेवेन्यू ये बता रहे हैं और इसके वजह से क्योंकि सी के अंदर एक प्रॉपर मतलब फिक्स्ड कॉस्ट होती है यहाँ पे इतना पैसा इनको देना ही पड़ता है तो भले ही फिर वहाँ पे बेच के पैसा आए ना आए उससे होता क्या है इनको पैसा तो देना ही पड़ेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक से लोन ले लो और फिर बैंक को आपको लोन तो भरना ही पड़ेगा भले ही आपकी सैलरी आए या ना आए तो यहाँ पे उनका भी ऐसा ही सीन है तो इसलिए यहाँ पे मार्जन्स वगैरह थोड़ी से नेगेटिव चली गई हैं और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे सी के ऊपर वो भी यहाँ पे उसके वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं नज़र आ रहे हैं और इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे आपको काफ़ी कम और नेगेटिव के अंदर देखने के लिए मिल रही है तो ये सारे रीजंस थे कि मतलब एक तरह से कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं की थी बट इसके कॉन्ट्रेरी अगर देखा जाए तो वो सारे समय थोड़ा सा आप कहेंगे कि पीछे साइड जा रहे हैं और खास करके जब देखो इकॉनमी यहाँ पे क्योंकि मेजरली अगर देखोगे तो यूएस मार्केट के अंदर ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाहर अच्छा मतलब ये एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो जब बाहर की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो डेफिनेटली यहाँ पे इस कंपनी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे इस वाले रीजन से भी थोड़ा सा कह सकते हो कि एक लैगिंग इफेक्ट इनके अंदर देखने के लिए मिला है अब यहाँ पे उसके क्वार्टरली अगर देखा जाए तो क्वार्टरली सेल्स के अंदर देखो यहाँ पे मार्जिन वगैरह बीच में काफ़ी कम हो गए थे लेकिन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा रिवाइवल देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे सेल्स वगैरह दोबारा बढ़ रही है और टैक्सेशन की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट नहीं आ पाया लेकिन इन फ्यूचर हमें लगता है कि दोबारा यहाँ पे आ जाएगा उसके साथ साथ यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी ये चीज देखने के लिए मिला है कि यहाँ पे इन्होंने लॉस बुक किया है इस साल के अंदर तो ये थोड़ा सा ये कह सकते हो कि रिसेशन का एक अच्छा खासा इफेक्ट देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिला है तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्यूचर आउटलुक ये नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो इसकी वजह से हम भी बहुत ज्यादा इसके कंपनी के ऊपर बुलिश नहीं हो सकते हैं जो थोड़ा सा यहाँ पे हमने जो अपना व्यू है उसको रिवाइंड किया है मतलब उसको थोड़ा सा वापस लिया ऑल्दो अभी इसके अंदर पोजिशन मेरी बनी हुई है जैसा कि आपको पता है तो अभी फिलहाल कर कह रहे हैं यहाँ पे सिंपल आपको समझाते हैं यहाँ पे इन वाले लेवल्स के आसपास हमने पोजिशन ली थी जस्ट एक्जैक्टली इस वाले कैंडल पर नीचे स्टॉप पर लगा के यहाँ पे एंट्री बनाई थी अपनी इन वाले लेवल्स के आसपास का थोड़ा सा ऊपर हो गया एवरेज ले लो तो पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पे इन वाले लेवल्स में मान लो उसके बाद से अभी फिलहाल मेरे पास पेरामल फार्मा पड़ी हुई है तो अभी देखो करना क्या है यहाँ पे सिंपल इन वाले लेवल्स पे एक देखो रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है हमें तो यहाँ पे हमने अपना नया ट्रेलिंग स्टॉप तो लगा दिया है अगर इसके नीचे कंपनी आती है तो फिलहाल के लिए हम इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे और ब्रेकआउट इन केस मिल जाता है 95.25 वाले लेवल्स तक के लिए तो वन तक इसको हम कैरी करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि जितना अभी हमें समझ में आया है अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो हमें इम्प्रूविंग फैक्टर यहाँ पे देखने के लिए मिला है और उसके साथ साथ यहाँ पे इसकी यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए मिली है मतलब बाइंग से एक अच्छे खासे लेवल पे हो रही है यहाँ पे तो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए तो हमें हाँ डेफिनेटली मिल रहा है बट क्योंकि थोड़ा सा मैनेजमेंट का हमें वो अच्छा नहीं लगा मतलब कि रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं लगा उस बेसिस पे हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होंगे और यहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई का जो टारगेट लेके चल रहे थे अभी फिलहाल के लिए वो हम विड्रॉ करेंगे आपके साथ ही हम शेयर कर रहे हैं तो अभी के लिए फिलहाल ये मेरे पास है जब तक ये वाला इन वाले लेवल तक हिट नहीं कर जाता मतलब एटी वाला लेवल जब तक हिट नहीं करता तब तक इसको हम अपने पोर्टफोलियो में रखे रहेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस नहीं होगा इसके बाद भी हम प्रॉफिट लेके ले यहाँ से निकलेंगे और फर्दर हमसे पूछो नेक्स्ट जो मतलब अभी तक बाय नहीं किया वो कर सकता कि नहीं तो हम हाँ वो 95.25 के ऊपर बाय कर सकता है लेकिन 123 के आसपास वो भी एग्जिट कर जाए तो बेटर रहेगा क्योंकि तो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है यहाँ पे वो लोग मतलब वो भी श्योर नहीं है कि आगे चल के प्रॉफिट होगा कि नहीं तो हम भी यहाँ पे बहुत श्योर नहीं हो सकते कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी कि नहीं इनफैक्ट जब मैनेजमेंट को नहीं पता है तो हम घर बैठे बैठे कैसे बता सकते हैं ये चीज तो ये भी थोड़ा सा आप लोग को सोचना पड़ेगा अभी इसी के साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब कर देना वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दुमाना और अपना कैपिटल सेफ रखना ओके okay, बाय